हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुकुमार, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय गणित में प्रश्नावली 3.4 हल करेंगे, जो प्रायिकता से संबंधित है। देखो, पहली बात तो प्रायिकता होती क्या है भाई, ये समझो। ठीक है, प्रायिकता जो होता है एक संभावनाओं का खेल होता है भाई। क्या होता है? संभावनाओं का। इसमें कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ये बात याद रखने की है। देखो, नंबर एक पॉइंट है इसमें, भारत अगला टेस्ट मैच जीतेगा भाई। देखो, हमें क्या करना है, नंबर एक बात है, भारत अगला टेस्ट मैच जीतेगा, टेस्ट मैच जीतेगा। अभी इसकी संभावना हमें बतानी है क्या है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता। अब हमें एक वाक्य मिला है कि ये है कि भारत अगला टेस्ट मैच जीतेगा, तो क्या ये निश्चित हो सकता है कि अगला मैच जीतेगा? भाई, जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता। ठीक है, तो इसमें देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका थॉट क्या आएगा निकल के, कि भाई भारत अगला मैच जीतेगा, जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो इसका जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। भाई मैच जीत सकता है, ठीक है, इसमें लिखेंगे हो सकता है, ऐसा जो बताया इन्होंने, हो सकता है भाई मैच जीत सकता है भारत, लेकिन हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ये बात निश्चित नहीं है कि भारत अगला मैच जीतेगा ही, रूप से नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नंबर दो बात क्या कह रहा है इसमें, नंबर दो देखो, नंबर दो बात कह रहा है, पासे को फेंकने पर 9 आएगा, पासे को फेंकने पर 9 आएगा। देखो, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर 9 आएगा, कितना आएगा भाई, 9 आएगा। समझे आप, कोई पासा है, आपने लूडो देखा होगा, लूडो में जो लाल रंग की गोटी होती है मोटी वाली, उसे हम पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइस। इस प्रकार देखा होगा बना हुआ, इसे हम क्या कहते हैं भाई, पासा कहते हैं। इसमें ऐसे मान लो 2, 3 इस प्रकार का आपने देखा होगा डाइस। पासा तो कह रहे हैं, पासे को फेंकने पर 9 आएगा। यदि हम पासे की बात कर लें तो पासे में 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है। कितनी होती हैं? 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पासे को फेंकने पर 9 आएगा, तो क्या निश्चित है भाई, किसी भी पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं और 9 आने की बात कर रहा है, तो क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें लिख देंगे भाई असंभव। क्या लिख देंगे? असंभव। ये आ जाएगा हमारा असंभव। असंभव क्यों आया? क्योंकि पासे में 9 संख्या होती नहीं है, सबसे बड़ी संख्या 6 होती है पासे में, तो 6 तक ही संख्याएं आ सकती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, असंभव हो जाएगा भाई। देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट है क्या रहा है, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, कल क्या होगी भाई, बारिश होगी, बारिश, कल बारिश होगी, क्या होगी भाई, कल बारिश होगी। तो ये बात क्या पूर्णतः सत्य है भाई? किसी ने बताया कल बारिश होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये जैसे ये वाला था, अगला टेस्ट में जीतेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसका भी हो क्या आएगा,
हो सकता है, हो सकता है कल बारिश हो, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, परंतु निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं, कह नहीं सकते कि कल को बारिश होगी, सही है, लेकिन हो सकता है, पूर्णतः ये सत्य बात नहीं है भाई, ठीक है। इसमें देखो एक पॉइंट और आता है हमारा, अगला पॉइंट क्या है समझेंगे, हमारा तीसरा चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, ये पढ़ते हैं भाई, देखो चौथा पॉइंट है हमारा, उसकी उम्र कल की अपेक्षा अधिक है, उसकी उम्र, देखो उसकी उम्र कल की अपेक्षा, कल की अपेक्षा अधिक है, यानी कल की अपेक्षा अधिक है, ये बात क्या है हमारी, अधिक है, देखो समझो आप, कह रहा है उसकी उम्र कल की अपेक्षा अधिक है, यानी कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई भी है, तो उसका एक उदाहरण दिया गया कि भाई कल की अपेक्षा अधिक है आज, तो कहने वाला भी है कल जितने वर्ष का था या जितने दिन का था, आज एक दिन उसका क्या हो गया, बढ़ गया, तो जब आज आया तो एक दिन बढ़ गया तो एक दिन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसकी उम्र कल जितनी थी उससे कितनी हो गई, अधिक हो गई, तो ये बात कैसी हमारी सत्य है और ये निश्चित है कि हाँ जितने साल दिन का कल था वो आज उससे एक दिन ज़्यादा हो गया है और उसकी उम्र क्या हो गई है, कल की अपेक्षा आज अधिक हो गई है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित है भाई, तो क्या है, निश्चित है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, ये हमारा निश्चित है भाई, ठीक है। ऐसी देखो एक एक सेंटेंस और है इसमें, इसमें एक है क्या रहा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा भाई, देखो एक कोई सिक्का है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, क्या आएगा, चित्त आएगा, देखो कोई सिक्का है भाई, जब उसे हमने उछाला तो दो कंडीशन सिक्के की हो सकती हैं, या तो चित्त आ सकता है या फिर पट आ सकता है, देखो एक होता है चित्त और एक होता है पट, यानी हेड और टेल, सही है, एक हेड और एक टेल, तो देखो मतलब जो सिक्का है उसमें कितने पहलू होगा, दो पहलू होगा, एक चित्त और एक पट, यदि हमने एक सिक्का उछाल दिया तो हो सकता है कि वो सिक्का चित्त आ जाए या फिर पट आ जाए, तो ये संभावना हमारी ऐसी हो सकती है कि चित्त आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है भाई, तो इसमें क्या लगेंगे, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं हो सकता भाई, देखो हो सकता है, क्या लगेंगे हम, हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है, ये बात हमारी आ जाती है भाई। देखो इसी प्रकार जो है एक सवाल और है इसी कंडीशन का, हम आपको बता दें सवाल क्या है, सवाल कह रहा है हमारा, देखो ये जो सवाल हमारा कह रहा है, ये कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर, देखो सवाल है हमारा भाई क्या है, कोई पासा है, यानी देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, एक बार फेंकने पर प्रायिकता क्या आएगी, एक बार फेंकने पर प्रायिकता क्या आएगी, देखो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं आप देखते हैं भाई, यानी कोई हमारे पास एक पासा है, पासा का मतलब डाइस, ठीक है, जो लूडो खेलते हैं पासे की बात चल रही थी अभी, पासे में एक से लेकर छः तक की संख्याएं होती हैं, तो देखो पासे में जो होती हैं भाई कुल प्रकार कितने, यानी हल देखते हैं इसका, हल है हमारा
कोई पासा है, पासे में हम संख्याएं कितनी होती हैं, देखो पासे में संख्याएं यानी पासे की संख्याएं, पासे की संख्याएं जो होती हैं हमारी, पासे की संख्याएं एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है, छः तक की संख्याएं होती हैं भाई। तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, छः हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी भाई, कुल प्रकार यानी कुल प्रकार, कुल प्रकार यानी छः प्रकार से ये संख्याएं आ सकती हैं भाई। कुल प्रकार कितने हो गए, छः, ठीक है। अगर एक पासे को हमने फेंक दिया, उड़ा दिया, तो उसमें एक से लेकर छः तक की कोई सी भी गिनती आ सकती है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट है हमारा ये कह रहा है तीन से कम, कितना, तीन से कम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो जब तीन से कम आएगा तो कुल प्रकार तो ये है हमारे पास छः, ठीक है। तीन से कम यानी तीन तो ये है, तीन से कम कितनी, दो संख्याएं और बची, तो इसे हम कहते हैं अनुकूल प्रकार। क्या कहते हैं भाई, अनुकूल, अनुकूल प्रकार, ठीक है, या अनुकूल, देखो अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार जो होंगे हमारे कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि एक और दो संख्याएं आ रही हैं हमारी। तो प्रायिकता जो होती है हमारी, एक देखो सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारा, प्रायिकता बराबर हमारा है, देखो अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार, यानी जो घटना घटी है कितनी बार घटी है और उसके घटने के कितने क्रम हो सकते हैं भाई, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ठीक है। तो देखो इसमें हमें अनुकूल प्रकार कितने मिले, दो, और कुल प्रकार कितने हैं, छः, और दो से कट रहा है, दो तिया छः, यानी एक बटे तीन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगला पॉइंट इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है दो से अधिक, कितना दे रखा है भाई, अभी हमने पहला पॉइंट निकाला था तीन से कम, अब जो अगला प्रकार है हमारा, अगला पॉइंट है वो कितना है, दो से अधिक। तो जब दो से अधिक है तो देखते हैं भाई, नंबर दो बात, दो से अधिक, दो से अधिक, तो जब दो से अधिक हैं तो दो से अधिक की प्रायिकता कितनी हो सकती है, देखो दो तो हैं, एक दो तीन चार, यानी अनुकूल प्रकार जो आएंगे हमारे कितने आएंगे, चार। तो देखो अनुकूल प्रकार बराबर आएंगे हमारे, अनुकूल प्रकार कितने होंगे हमारे भाई, चार आएंगे। चार क्यों आएंगे, क्योंकि सवाल में शर्त दे रखी है कि दो से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो दो से अधिक यानी एक और दो तो आएंगे नहीं, तो तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, पाँच आ सकते हैं और छः आ सकते हैं, तो कितने हो गए अंक, चार अंक, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता अभी हमने देखो फॉर्मूला आपको बताया था भाई, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार, बटे में कुल प्रकार, ठीक है भाई। तो देखो अनुकूल प्रकार जो होंगे हमारे वो कितने होंगे, अनुकूल प्रकार चार, और कुल प्रकार कितने हैं, छः, दो से कट रहा है, दो दून चार और दो तीन छः, तो ये आ जाएगा दो बटे तीन, ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। देखो इसी प्रकार एक और पॉइंट इसमें दे रखा है तीसरा, वो तीसरा पॉइंट क्या है समझें भाई, तीसरा पॉइंट है हमारा, देखो तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है अभाज्य संख्या, क्या कह रहा है भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम अभी जानते हैं भाई कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें हमारी, कितनी हैं, दो है और तीन है, पाँच है, तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारी, देखो दो तीन पाँच, कितनी हो गई भैया, दो तीन पाँच, यानी कुल प्रकार छः और अनुकूल प्रकार जो हो जाएंगे हमारे
अनुकूल प्रकार बराबर कितने हो गए, तीन, एक दो तीन, तीन संख्याएं हैं। तो प्रायिकता बराबर जो होगी हमारी, प्रायिकता बराबर जो आ जाएगी हमारी, देखो अनुकूल प्रकार बटे में कुल प्रकार, बटे क्या आ जाएगा भाई, कुल प्रकार, ठीक है। तो देखो अनुकूल प्रकार कितने हैं हमारे पास, कितने हैं, तीन हैं, और कुल प्रकार कितने हैं, छः हैं, ठीक है। तो तीन से यदि हम छः को भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, तीन दूनी छः, यानी एक बटे दो हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार हम प्रायिकता क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब इस प्रकार हम प्रायिकता निकाल लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला इन सभी सवालों में क्या करेगा, काम करेगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है खेलने के ताश के पत्तों की संख्या 52 है, तो निम्न में से एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। देखो प्लेइंग कार्ड यानी जो ताश की गड्डी होती है खेलने की, तो उसकी बात कर रहे हैं इसमें। इस सवाल कह रहा है कि उस ताश की गड्डी में जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। अब उन 52 पत्तों में से जो हमें प्रायिकता निकालनी है, कह रहा है एक लाल पत्ता होना चाहिए, एक बादशाह होना चाहिए और एक चिड़ी का पत्ता होना चाहिए। ये बातें हम देखो देखते हैं। तो क्या करना है हमें, समझते हैं भाई कि 52 पत्ते हैं, प्लेइंग कार्ड कितने हैं, कुल पत्ते कितने हैं भाई, यानी कुल पत्ते जो हैं हमारे पास 52 हैं, कितने हैं, कुल पत्ते जो हैं हमारे पास 52 हैं, कुल पत्ते बराबर 52। तो जब 52 ताश की गड्डी जो होती है तो उसमें आधे लाल होते हैं और आधे काले होते हैं भाई, तो लाल पत्ते जो हो गए हमारे वो हो गए 26, कितने हो गए 26, और काले पत्ते कितने हो गए हमारे पास, काले नहीं पूछा तो छोड़ो, तो लाल पत्ते हमारे पास 26 हैं तो काले भी 26 होंगे। अब एक बात आती है बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह। देखो एक से लेके इक्का से लेके और गुलाम बेगम बादशाह तक कितने होते हैं, सभी पत्ते 4-4 होते हैं, ठीक है। और चारों पत्तों के अलग अलग क्रमांक होते हैं, एक चिड़ी का होता है, एक पान का होता है, एक हुक्म का होता है और एक ईंट का होता है। तो इसमें और बाकी बात नहीं की है तो किसकी बात की है, चिड़ी की बात की है। तो देखो कुल पत्ते हमारे पास 52 हैं, लाल पत्ते कितने हो जाएंगे 26, और बादशाह जो होते हैं 4 बादशाह होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं भाई 4, ठीक है। इसमें 4 बादशाहों में 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं, एक चिड़ी का बादशाह और एक पान का बादशाह, एक हुक्म का बादशाह और एक ईंट का बादशाह, ठीक है। अब बात आती है चिड़ी, क्या आती है भाई चिड़ी। तो जो चिड़ी के पत्ते जो होते हैं भाई, चिड़ी के पत्ते होते हैं 13, कितने होते हैं 13 पत्ते, चिड़ी जो होती है उसके कुल कितने होते हैं 13 पत्ते। कैसे, देखो एक चिड़ी का इक्का होगा, एक दुग्गी तिग्गी चौवा पंजी छग्गी सत्ता अट्ठा नैला दैला फिर गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है। तो ये कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं। अब सवाल पे आते हैं हम, देखो सवाल क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक लाल पत्ता। तो देखो इसकी जो प्रायिकता होगी, नंबर एक की प्रायिकता हमारी, प्रायिकता बराबर देखो लाल पत्ते कितने हैं हमारे पास 26, ठीक है। तो ये कितना होगा अनुकूल प्रकार, तो अनुकूल प्रकार लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितने आएंगे हमारे पास, देखो लाल पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, लाल पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो लाल पत्ते कितने हमारे पास 26, और कुल पत्ते कितने हमारे पास 52, और 26 दूनी कितना आ जाएंगे 52, यानी 1/2 प्रायिकता हमारी क्या हो जाती है, आ जाती है भाई, नंबर एक बात। अब नंबर दो बात देखो, नंबर दो की प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास, प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी,
देखो नंबर दो प्रायिकता क्या है, कह रहा है एक वास्ता होने की प्रायिकता भी। अब हमें पता है कि पूरी गड्डी में कितने चार वास्ता होते हैं, कितने होते हैं चार, तो हमने जब एक पत्ता खींचा तो उन चार में से ही खींच के आएगा क्योंकि वास्ता निकलना है हमें। तो देखो कुल वास्ता बटे कुल पत्ते, यानी जो कुल वास्ता के पत्ते हैं वो कितने हैं चार, ठीक है, और कुल पत्तों की संख्या कितनी है, देखो कुल बादशाह बटे में कुल पत्ते, तो देखो कुल बादशाह कितने हैं हमारे पास चार, कुल पत्ते कितने हैं बावन, तो बावन को जब हम चार से भाग करेंगे कितनी बार जा रहा है तेरह बार, तेरह चौका बावन यानी एक बटे तेरह हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार हम अगर इसकी बात करें तीसरे की, तो तीसरे में क्या है, देखो तीसरे में लिख रहा है, कह रहा है एक चिड़ी, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास तेरह होते हैं, अभी बताया था मैंने। तीसरे की बात देखो, प्रायिकता बराबर प्रायिकता, प्रायिकता बराबर देखो कुल चिड़ी के पत्ते, कुल चिड़ी के पत्ते और बटे में आ जाएगा कुल पत्ते, बटे में क्या आएगा भाई कुल पत्ते, ठीक है, चिड़ी के पत्ते और बटे में आ जाएगा कुल पत्ते। देखो चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं हमें पता है तेरह, और कुल पत्ते कितने होते हैं बावन, तेरह चौका बावन आ जाएगा हमारा, और ये कितना आ जाएगा एक बटे चार आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं भाई, ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला सवाल है, किसी प्रकार का सवाल है, उसमें क्या है, एक थैला है, उस थैले में दो प्रकार की गेंदे हैं, कितने प्रकार की गेंदे हैं, एक लाल गेंद है और काली गेंदे हैं। तो देखो ऐसा सवाल हमें परीक्षा में ज़रूर मिलता है, थोड़ा ध्यान से देखें, परीक्षा उपयोगी सवाल है। तो देखो सवाल नंबर कितना है, ये हमारा सवाल नंबर है 6। देखो एक डिब्बा है, क्या है, एक डिब्बे में कितनी पांच सफ़ेद और तीन लाल, नौ लाल गेंदे हैं भाई। देखो कोई एक डिब्बा है, एक डिब्बे में पांच सफ़ेद, कितनी है भाई पांच सफ़ेद और नौ लाल गेंद हैं, और कितनी नौ लाल गेंद हैं, ठीक है, नौ लाल गेंद हैं, ये बात उसने कही है सवाल में। तो कह रहा है बॉक्स से अनियमित रूप से एक गेंद निकाली जाए तो निम्न की प्रायिकता बताइए भाई। देखो एक गेंद निकालने की प्रायिकता बता रहा है, ठीक है, तो अगर इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, कह रहा है बॉक्स से एक गेंद निकाली जाए, बॉक्स से एक गेंद निकाली जाए, निकालने की प्रायिकता कैसे होगी, देखो ये समझ लो, इसमें दो बातें दे रखी हैं, क्या है पांच सफ़ेद गेंद हैं और नौ लाल गेंद हैं, तो नंबर एक कह रहा है एक लाल गेंद, क्या कह रहा है लाल गेंद, और नंबर दो क्या कह रहा है भाई, नंबर दो कह रहा है इसमें एक सफ़ेद गेंद, सही है। तो देखो कुल गेंदें कितनी है हमारे पास, देखो हमारे पास सफ़ेद गेंद कितनी है, पहले ये देखो सफ़ेद गेंद जो है हमारे पास वो है पांच, लाल गेंद जो है हमारे पास, लाल गेंद बराबर जो है वो है नौ, ठीक है, और कुल गेंदों की संख्या जो हुई हमारे पास, कुल गेंद जो है हमारे पास वो हैं पाँच प्लस नौ बराबर तेरह, सॉरी चौदह, नौ और पाँच कितने हो गई चौदह गेंदें हैं हमारे पास, कितनी हैं भाई चौदह गेंदें हैं। अब देखो प्रायिकता देखते हैं क्या है इसकी हमारे पास, के वो कह रहा है पहले नंबर एक बात लाल गेंद की प्रायिकता, देखो लिखेंगे हम लाल गेंद
कि प्रायिकता बराबर लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो सकती है भाई? देखो कुल कुल गेंदें कितनी है हमारे पास, ये तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लाल गेंदें और बटे में कुल गेंदें, कुल गेंद ठीक है। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास, कितनी है लाल 9 गेंदें हैं और कुल गेंदें कितनी हैं 14 हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई ठीक है। इसमें एक और है देखो, वो कह रहा है सफ़ेद गेंद की प्रायिकता, नंबर दो बात सफ़ेद गेंद की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता बराबर ये आ जाएगा हमारा सफ़ेद गेंद बटे में कुल गेंदें भी, सफ़ेद गेंद और बटे में कुल गेंदें, कुल गेंद ठीक है। सफ़ेद गेंदें कितनी है हमारे पास, 9 है, सफ़ेद गेंद कितनी है हमारे पास 5 है और कुल गेंदें कितनी है हमारे पास 14, तो 5/14। तो इस प्रकार हमने ये मतलब सवाल को हल किया और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज को हल किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से प्रायिकता निकालनी आ गई होगी। और हमारे वीडियो में कमेंट्स लाइक और शेयर करके बताइए ज़रूर, और जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए धन्यवाद।